कि वक्त जो है ना वो सबसे बड़ा मरहम होता है। जी हाँ, टाइम हील्स। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो वक्त के साथ भी भुलाई नहीं भूली जा सकती, और ऐसे ही एक शख्स हैं सुशांत। जी हाँ, सच अ ब्रिलियंट एक्टर कि चाहकर भी कोई उन्हें भूल नहीं सकता। देखिए, पता ही नहीं चला ना कि सुशांत को गए हुए पूरा एक महीना हो गया है, और इस एक महीने में उनकी ढेर सारी यादें मानो हम सब ने संजो कर रखी हैं। बस कल की ही बात तो है, मानो ऐसा ही लग रहा है आज पूरा एक महीना हो गया है सुशांत सिंह राजपूत की मौत को। सुशांत की मौत का दर्द कोई नहीं भुला पा रहा है। सोशल मीडिया पर आज पूरे एक महीने बाद अंकिता लोखंडे ने एक पोस्ट किया है। इस पोस्ट को जरा देखिए, जहां पर अंकिता ने सफेद फूल रखे हैं और सुशांत के लिए दिया जलाया है। कहते हैं इससे मरने वाले की आत्मा को राहत मिलती है। अंकिता ने अपना दर्द छुपाए रखा था, लेकिन आज जब सुशांत की मौत को एक महीना हो गया है तो उन्होंने अपना दर्द दिखाया। अंकिता के बाद सोशल मीडिया पर रिया चक्रवर्ती ने भी सुशांत के लिए पोस्ट लिखा है। वैसे रिया को सुशांत की मौत के बाद काफी ट्रोल भी किया जा रहा था। इसी के साथ सुशांत के सबसे अच्छे दोस्त और कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने भी अपना दर्द बयां किया है। अब देखिए ना, सुशांत की मौत को एक महीना हो गया है, लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब सुशांत सोशल मीडिया पर ट्रेंड नहीं कर रहे थे। कभी उनकी मौत की जस्टिस को लेकर, तो कभी उनकी फिल्म के प्रोमो को लेकर, तो कभी उनकी फिल्म के आए गाने को लेकर। आज भी लोगों के दिल में सुशांत के लिए वही जगह है। कभी कभी बैठकर मन में ये बात आती है कि वाकई सुशांत ने आत्महत्या की थी, या फिर उनके मौत के साथ कोई ऐसा रहस्य था जो खत्म हो गया। इन सारे सवालों के जवाब अब भी नहीं मिले हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।